सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर माँ बाप के उम्मीद को पूरा करे और हर औलाद को फरमा बरदार बनाए, आमीन। वेलकम टू ज़ैनब किचन। आज हम बनाएंगे चिकन काठी रोल। उसके लिए हमने 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिए है, उसके हमने इतने छोटे छोटे पीस बनाए हैं। अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। 2 टीस्पून दही डालेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्ची और हरे धनिया का पेस्ट, 2 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। ये मसाले हम चिकन में डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन के हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हमने 3 अंडे फेट के लिए है। अब हम इसमें चॉप हरी मिर्ची और धनिया और नमक डालेंगे और इसको अच्छे से फेटेंगे। गैस चालू करेंगे और एक बर्तन रखेंगे और उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे। और चिकन को गलने तक पकाएंगे। इसको हम सिम करेंगे और ढक्कन रख के 10 मिनट तक पकाएंगे। चिकन का पानी पूरा सूख गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और चिकन को ठंडा करने देंगे। ये हमने 3 आलू को बॉईल करके कद्दूकस करके लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे काली मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा और 2 टीस्पून तेल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मसल कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। रोल के हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सख्त आटा गूंदेंगे। हमारा अच्छे से गूंद के हो गया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। अब आटे के हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ऐसे पेड़े बनाएंगे में डस्ट करेंगे और इसकी मीडियम साइज की रोटी बनाएंगे। ऐसे मीडियम साइज की रोटी हम बेल के रखेंगे और उसको हल्का सेकेंगे। पर हम एक तवा रखेंगे और उसको हल्का गर्म करेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें रोटी डालेंगे।
अब फेटे हुए अंडे का हम ऑमलेट बनाएंगे। और जो हमने रोटी सेकी थी उसके ऊपर रखकर दबाकर अच्छे से सेकेंगे। अब फेटे हुए अंडे का हम ऑमलेट बनाएंगे। और जो हमने रोटी सेकी थी उसके ऊपर रखकर दबाकर अच्छे से सेकेंगे। ऐसे ही सब हम रोटी बना के लेंगे। और रोटी को अच्छे से सेकेंगे। और रोटी को हम निकालेंगे। हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें चॉप हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ी, और हरा धनिया डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। रोटी हमारी सेक के हो गई है। अब हम इसके अंदर चिकन की फिलिंग डालेंगे। ऐसे इसको बीच में रखेंगे और रोल करेंगे। ऐसे सब रोल बना के लेंगे। चिकन काठी रोल हमारे बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए। और वीडियो अच्छे लगने पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।